देश का अन्नदाता किसान अपना दिन रात पसीना बहाकर देश की जनता के लिए अनाज पैदा करता है, और जब वह किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए आता है तो उसे अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी तंत्र के बीच में पिसना पड़ता है। किसान को खेती करते वक्त कुदरत की तरफ और अपनी मेहनत की फसल को बेचते वक्त शासन और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाकर देखना पड़ता है, लेकिन फसल बेचने के बाद भी किसान को समय पर अपनी फसल का पैसा नहीं मिलता। सरकार कितने भी दावे करे, लेकिन धरातल पर सरकार के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर किसान के साथ यहां पर काम करने वाले मजदूर और आड़ती भी मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में मंडी में किसान और मजदूरों के लिए पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। जब मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशनर का आनंद ले रहे हैं, वहीं जब गेहूं की खरीद और लिफ्टिंग के बारे में खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी दीपक सोनी व ट्रांसपोर्टर से बात की गई तो वे सरकार का बचाव करते हैं। सबसे ज्यादा उठान की दिक्कत हो रही है, एक जैसे एक एक जेफान से जो ले रहे हैं वो गलत सिस्टम है। एक दुकान पे एक ही तारीख में उस पर 800 कट्टे पड़े हैं, तो कम से कम उसको एक गाड़ी पूरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसके यहाँ पहले एक जेफाम का 20 क्विंटल आया है, दूसरी दुकान पर 40 क्विंटल का है, तीसरी दुकान पर वो 50 क्विंटल का है। नौ 110-115 क्विंटल माल भी हुआ तो वो उसका तीन जगह गाड़ी लगाएगा, और मंडी में इतना रश है कि गाड़ी घूम ही नहीं सकती ना चल सकती। परेशानी ये है, एक तो सरकार की तरफ से कोई पीने के पानी की टॉयलेट की कोई प्रबंध नहीं किया हुआ किसानों के लिए। आड़तियों ने अपनी तरफ से प्रबंध किया हुआ, सरकार की तरफ से कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। अब देख सकते हो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर चढ़ा हुआ, लिफ्टिंग की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। अभी तो जी 1975 की बताई हुई है जो सरकारी खरीद है, पहली ट्रॉली आई थी 3 तारीख की आई थी, 48 घंटे का टाइम था, अभी तक तो पेमेंट आई नहीं है उसकी। ये वजन वैसे तो 50 किलो की भरती है, लेकिन 300 ग्राम जो ये प्लास्टिक वाला कट्टा है, 300 ग्राम एक्स्ट्रा प्लास्टिक के कट्टे की भरती ली जाती है 50-300। अच्छा, और जूट वाले कट्टे के लिए 800 ग्राम अलग से काटा जाता है, 50 किलो 800 ग्राम भरती की जाती है उसमें। खरीद सुबह 10 बजे से चल रही है, सारे अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाए वो मौके पे मौजूद थे। एक जगह एक दुकान पे बैठकर खरीद नहीं हो सकती, ऐसा पोर्टल नया बना था। जिस टाइम शुरुआती जो खरीद का समय था उसके दौरान जिस भी किसान के पास मैसेज आता था वो अपना गेट पास यहाँ लेके कटवा के और फिर ढेरी देने के लिए आता था। उसमें सरकार ने थोड़ा बदलाव किया कि जिसका रजिस्ट्रेशन है वो सभी मौके पर आकर के और अपना गेहूँ उतरवा सकते हैं। क्या रेट पे आप गेहूँ ले रहे हैं आप? 1975 रुपये। भर्ती कितनी किलो? भर्ती 50 किलो की। लेकिन डिपो वाले के पास 52 किलो कैसे हो जाते सर? डिपो वाले का तो यहाँ से माल जाता नहीं है, वो कॉनफेड के थ्रू जाता है, FCI से जाता है, जहाँ से उठता वहीं से जाता है। BFSC का कब से यहाँ पे मतलब खरीदारी शुरू हुई है, कौन सी तारीख से शुरू? 3 तारीख को शुरुआत हुई थी। कितने किसानों की मतलब पेमेंट हो चुकी है? पेमेंट तो अभी ऑनलाइन पोर्टल में थोड़ी दिक्कत है, उसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस चल रहा है। ये बदलाव का जो कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी जरूर है, वो सभी को है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।